मंडली ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। दोस्तों हम एमपी में रहते हैं तो सोचते हैं कुछ आपको एमपी का नया खाना बताएं जो यहाँ का फेमस है। दोस्तों यहाँ का फेमस है दाल बाटी। देखिए आज हमारे घर दाल बाटी बन रही। ये हल्दी, ये अजवाइन और ये सौंफ, ये ऐड कर रही मम्मी आटे में। ये दाल बाटी में पड़ते हैं, बाटी में। और यहाँ दाल बन रही तुअर की हमारी चूल्हे पर। नमक निराला भी डालो। ये आइए पीहू, पीहू बोलो हाय दोस्तों। इधर। दोस्तों आटे में अब थोड़ा सा मीठा तेल भी डालते हैं जिससे बाटी नरम बनती है। और नमक स्वाद अनुसार अपनी डाल लीजिए बस। ये देखो हमारी मम्मी के हाथों से आटे आटा गुथा जा रहा है बाटी बनाने का। बाटी तो सबकी बहुत टेस्टी होती है, खासकर यहाँ के लोगों को, बाकी सबको नहीं जानते। आप सबको में किसी को बाटी पसंद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड यहाँ तो बाटी शादी ब्याह में, किसी की तेरवी हो, सब में बनती है। यहाँ की फेमस है, मध्य प्रदेश की, मालवा की, राजस्थान की फेमस दाल बाटी और चोरमा। चोरमा तो किसी दिन हम दूसरे ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। हमारी यूट्यूब फैमिली बाटी इस कंडे में सिखाएगी धीमे धीमे आँच में, फिर दाल बनेगी। दाल मखनी और घी में डुबकी हुई बाटी। फैमिली देखिए बाटियां बनना तैयार हो गई हैं। ये देखिए दो बाटी बन गई। आटे को ऐसे थोड़ा थोड़ा गोल गोल बना लेते हैं, फिर इसको कंडे पर सेकेंगे। बिल्कुल इसी प्रोसेस में बाटियां बनेंगी। बाटी बना रही है और यहाँ पीहू चप्पल पहन के रोटी बना रही है। बोलो चप्पल उतार के। हाँ चप्पल उतार के बनाते हैं बेटू, ठीक है। आपको रोटी बनानी आती है क्या? आती है। और क्या बना लेते हो? ओ पीहू क्या बना रहे हो आप, बताओगे क्या बना रहे हो बेटू? फैमिली तैयार है, बाटी सिकाई ये रही है। देखिए कंडे को ऐसे फोड़ लिए है मम्मी ने, अब इस पे पलटी कर करके सेकेंगे। ये है बाटी का प्रोसेस, ऐसे देसी कंडे में सेकी जा रही है बाटी। फिर से बोलो लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना दोस्तों। फ्रेंड जब तक हमारी बाटी तैयार हो रही है, जब तक हम बना लेते हैं दाल। ये देखिए मिक्सर में दाल पीस की लहसुन पीसी जा रही है और इधर दाल बाटी बन रही है, इधर चूल्हे में दाल बनाएंगे हम। ये दाल पक गई है, तुअर की दाल यानी अरहर की दाल। और इस दाल को बना रही हूँ मैं। अब इस दाल का स्वाद बढ़ाने के लिए आ गई हैं पीहू। पीहू क्या कर रहे हैं आप? आप दाल बनाओगे आज? ठीक है बना दीजिएगा। आप तो बहुत टेस्टी दाल बनाते हो बेटू। ठीक है फिर मैं इसमें जीरा डालूं? ठीक है डाल। ठीक है जाओ बाय। ठीक है दे देना, ठीक है बाबू। तो हाँ हमारी फैमिली तैयार है लहसुन प्याज का तड़का। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले दाल के लिए। टमाटर डाल, आज बनेगी दाल मखनी। मैं दाल बना रही हूँ और मम्मी बाटी बना रही है। तो हाँ मेरी फैमिली अब इसमें जा रहा है टमाटर, ऐड कर दिया। टमाटर को थोड़ा हम गलने देंगे, उसके बाद दाल रखेंगे इसमें।
बाटी का प्रोसेस लगभग लगभग पूरा ही हो गया है और दाल भी तैयार हो गई है। वाह, दाल भी रेडी। देखिए दोस्तों, बाटी सेका गई है, थोड़ी सी कच्ची रहती है, इसके लिए इसको कंडे के आग में अच्छा भर देते हैं 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद निकाल कर फिर अच्छा घी में डबो कर फिर दाल से खाओ, एंजॉय करो। अब 5 मिनट ऐसे पकेगी, उसके बाद निकालेंगे। तो फैमिली लीजिए, तैयार हो गई है दाल और मखनी दाल और बाटी, और ये खाने वाले ऐसे चूर के इसमें दाल मिलाकर नींबू डाल के खाते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, दाल बाटी पसंद हो, तो ऐसी रेसिपी से जरूर बना के ट्राई करिए। ओके, बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गुड नाइट।